नंबर वन, आज हम तैयार कर रहे हैं तंदूरी चिकन बिरयानी। इसके लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन। चिकन के बड़े पीस हमने काटे हैं। बिरयानी को हम चार स्टेप्स में आसानी से बनाएंगे। चिकन को तंदूरी करने के लिए इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया और इसे फोक की मदद से हम इस पर बारीक बारीक सुराख लगाएंगे ताकि मसाला जो है अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। अगर आपके पास फोक ना हो तो आप छुरी की नोक, नाइफ़ की नोक की मदद से भी बारीक बारीक सुराख लगा सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर दो से तीन बड़े बड़े कट लगा देंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे से पहुँच जाए। तंदूरी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने 750 ग्राम चिकन ली है। इसके बड़े पीस काटे हैं हमने। अब हम इसमें मिलाएंगे मैरिनेशन का मसाला। हमने इसमें डाला आधा छोटा चमचा सॉल्ट यानी नमक, एक बड़ा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में एक बड़ा चमचा विनीगर यानी सिरका हम डालेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैरिनेशन। इसे अच्छे से हम चिकन में मिला देंगे और चिकन को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। फर्स्ट मैरिनेशन हमारा पूरा हो जाएगा तो हम सेकंड मैरिनेशन शुरू करते हैं। अब हमारा सेकंड मैरिनेशन शुरू होता है। 10 मिनट हो चुके हैं। हम मिलाएंगे इसमें एक छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चमचा काली मिरी पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, एक चमचा चिली पाउडर मिलाया हमने इसमें नहीं, लाल मिर्चों का पाउडर मिलाया। अब हम इसमें मिलाएंगे एक छोटा चमचा मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तमाम चीज़ें डालकर हम इसके साथ में मिलाएंगे दही। दही को मैंने कपड़े में बांधकर कुछ देर के लिए लटका दिया था जिसकी वजह से इसका पानी निकल गया है। हमने एक कप गाढ़ा दही मिलाया इसमें। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें मिलाएंगे हम एक बड़ा चमचा मस्टर्ड ऑयल। इससे तंदूरी चिकन में बहुत ही लाजवाब जायका आता है मस्टर्ड ऑयल से। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप सादा वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैरिनेशन लगाकर हम चिकन को 2 घंटे के लिए रख देंगे। दो घंटे हमारे हो चुके हैं। चिकन में अब हम मिलाएंगे फूड कलर यानी तंदूरी कलर। इससे चिकन का जो रंग होता है बड़ा खूबसूरत हो जाता है, तंदूरी कलर हो जाता है इसका। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम चिकन को कुक करेंगे। चिकन को मैरिनेशन करके 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम पैन गरम करेंगे और पैन में चिकन को पूरे मसाले के साथ हम डालकर अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक ये मसाला ड्राई ना हो जाए हम इसे पकाएंगे। देखिए चिकन डालकर हम थोड़ा सा इसे अलट पलट कर देंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब इसे थोड़ा बंद कर पकाएंगे। चिकन हमारी कुक हो रही है। हमने शुरुआत में इसे तेज़ आंच पे रखा है ताकि इसका पानी सूख जाए। फिर हम इसे धीमी आंच पे कर देंगे। चिकन हमारी ड्राई होने लगी है। हम इसमें मिला देंगे कस्तूरी मेथी। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को लेकर मैंने हाथ से मसला और इसमें डाल दिया। इससे जो है चिकन में बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। चिकन को हमने कोयले का स्मोक दे चुके हैं। इसे और अच्छा टचअप करने के लिए हम कुछ देर के लिए इसे डायरेक्ट फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह की जालियाँ मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो इसे आप रखकर जाली के ऊपर चिकन के पीसेस रखकर थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर के लिए चिकन को जो है फ्लेम दिखा दीजिए। अगर ये जाली ना हो तो आप
चिमटे में चिकन का पीस पकड़ कर डायरेक्ट गैस पे रोस्ट कर सकते हो। ये तैयार हो गई हमारी तंदूरी चिकन। अब हम इसे बिरयानी के मसाले में डालेंगे। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप इस तरह भी चिकन को चिमटे से पकड़कर रोस्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 हमारा शुरू होता है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और पैन में डालेंगे ऑयल। तकरीबन हमने डाला है आधा कप ऑयल। हम गहरा पैन लेंगे क्योंकि इसमें हमें चिकन तंदूरी का मसाला भूनना है, तो इसके लिए हम कढ़ाई या गहरे पैन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे हम तमाम गरम मसाले। गरम मसाले में हमने डाली है लौंग, काली मिरी 3 से 4 तेज़पत्ते, 2 से 3 दालचीनी की टुकड़ियाँ और साथ में डाला आधा कप प्याज। प्याज हमारी लाल हो चुकी, हमने इसमें डाले 3 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी गुलाबी होने के बाद हमने इसमें डाला 3 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए तमाम खड़े गरम मसाले जो है वो नज़र आ रहे हैं। हमने तमाम मसालों का इसमें इस्तेमाल किया है ताकि बिरयानी जो है हमारी बहुत ही खुशबूदार तैयार हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चमचे मिर्च पाउडर यानी चिली पाउडर। अगर आप मिर्च कम खाते हो तो 1 चम्मच मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें। साथ में हमने डाला 1 चम्मच नमक। आपको याद रहे कि तंदूरी चिकन में भी हमने मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है, इसीलिए यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे। 1/2 चम्मच हमने डाला हल्दी पाउडर। दो बड़े चमचे हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप 2 चमचे पानी डाल के इसे अच्छे से भून लीजिए, मसाला जले नहीं। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप दही। दही मिलाते ही हमें फ़ौरन स्पून को चलाना है, नहीं तो दही के टुकड़े जो है हमारी ग्रेवी में नज़र आएंगे। तो इसे फास्ट तेज़ी से हमें चमचा चलाना है कि दही फट ना जाए, हमारा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए दही जो है बहुत ही अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। ये डाला हमने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर हमने इसमें डाला और साथ में डालेंगे 2 बड़े चमचे तंदूरी मसाला। हम तंदूरी बिरयानी बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला डालना हमारा ज़रूरी हो जाता है। इसके डालने से तंदूरी बिरयानी का जायका जो है बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और साथ में हमने 5 बड़े टमाटरों को भूनकर काट के डाला। मसाला हमारा भून रहा है, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो गए टमाटर, दही भी मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस मिला के हम फिर से एक बार मसाले को भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे तकरीबन 1 कप फ्राइड अनियन, जिसे बलिस्ता भी कहते हैं। हमने पहले 5 से 6 प्याज को बारीक काट कर उसे फ्राई करके रख लिया था, वो उसमें हमने शामिल कर दी। बलिस्ता मिलाने से मसाला अच्छा तैयार हो। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तंदूरी चिकन, जिसे हमने कुछ देर पहले तैयार किया था। तंदूरी चिकन डालकर हम इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। चिकन में मसाला मिक्स हो चुका। अब हम दरमियान में रखेंगे सिल्वर फॉइल। अगर ये ना हो तो आप कोई छोटी सी प्याली का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हमने रखा जलता हुआ कोयला। कोयले को हमने पहले ही गर्म कर लिया है, अच्छे से तेज़ गर्म किया है। कोयला रखने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच मेल्टेड बटर या घी। ये हमने डाला, देखिए इससे बहुत ही अच्छी स्मोक आएगी। और हम फौरन जो है ढक्कन को बंद कर देंगे ताकि जो कोयले का धुआँ है वो इसी में रहे। कोयले की स्मोक बहुत ही अच्छे से चिकन में बैठ चुकी है। ये कंप्लीट होता है हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर थ्री में हमने आलूओं के चार टुकड़े कर दिए लंबाई में और उसे अच्छे से डीप फ्राई कर लिया और फिर उस पर लगा दिया तंदूरी कलर, जिससे ये आलू आपको लाल कलर के नज़र आ रहे हैं। तंदूरी चिकन बिरयानी के लिए हम टमाटर को भी तंदूर करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट फ्लेम पर मैं टमाटर को तंदूर कर रही हूँ, भून रही हूँ, दिख रहा है आपको। ये टमाटर कुछ देर इस तरह हम करेंगे तो इसका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसे ठंडा कर कर इसके छिलके उतार देंगे। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो पानी, थोड़ा पानी बॉईल कर लीजिए, टमाटरों को उसमें डाल दीजिए कुछ देर के लिए, तो उसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। टमाटर बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनके छिलके उतार देंगे। सात सौ पचास ग्राम चावलों को हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया है। इन्हें ठंडा करके हम इनके छिलके निकाल देंगे और फिर इन्हें बारीक काट कर मसाले में शामिल कर लेंगे। तेल गर्म हो गया तो हमने इसमें डाली एक छोटा चम्मच जीरा और साथ में डाले दो तीन कड़ी तेज पत्ते। तेल काफ़ी गर्म हो गया है, अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। हमने साथ में दो तीन लौंगे भी डाली है इसमें, ताकि चावलों में गरम मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी, तकरीबन चावलों से दुगना पानी हम इसमें डालेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे चावल। पहले हम पानी को गर्म कर लेंगे अच्छे से। ये डाला हमने नमक, तकरीबन एक बड़ा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। पानी काफ़ी गर्म हो गया, हमने इसमें मिलाया आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस मिलाने से चावल जो है आपस में चिपकते नहीं है, काफ़ी फरेरे रहते हैं। देखिए चावल, पानी काफ़ी गर्म हो गया तो हमने इसमें मिला दिया है भीगे हुए चावल। पानी गर्म होने के बाद चावल मिलाए जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। चावलों में उबाल आ चुका है, बॉईल हो चुके हैं। एक चावल दबाकर हम देखेंगे, चावल दो कनी के हो गए हैं। देखिए दो कनी आ रही है तो बस काफ़ी है, हमारे ये चावल बिरयानी के लिए रेडी हो गए हैं। हमें इन चावलों को ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये नरम हो जाएंगे। अब चावलों को हम अच्छे से छान लेंगे, पानी को फेंक देंगे और छन्नी में चावल को डाल देंगे। स्टेप नंबर फोर, बड़ी तपेली हम लेंगे और इसमें डालेंगे टू स्पून ऑयल। डेक्ची में हम डाल देंगे चिकन का मसाला, चिकन के साथ में डालकर फैला देंगे। तंदूरी चिकन मसाले को हमने एक बड़ी सी तपेली में डाला, इसे चारों तरफ हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड पोटैटो, यानी जो आलू हमने फ्राई किए थे, आपको याद होगा हमने आलू के चार टुकड़े करके उसे डीप फ्राई किया था और उस पर थोड़ा सा कलर लगाया था तंदूरी कलर, वो इसमें डालकर हम मिक्स कर दिए। अब हम इसमें मिलाएंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। तंदूरी बिरयानी में हमने पूरा एक कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, आधा कप हमने मसाला भूनने के टाइम इस्तेमाल किया और आधा कप ऑयल हमने अभी डाला है इसमें। ऑयल डालने से हमारी ये बिरयानी जो है वो जलेगी नहीं, काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इस पर डाल लेंगे हमारे बॉयल राइस, डालकर चारों तरफ उसे फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। अब हम चावलों के ऊपर घी का बघार देंगे, दो चमचे घी गरम करेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इन चावलों के ऊपर अच्छे से बघार दे देंगे। इससे चावल जो है काफ़ी फरेरे हो जाते हैं और नरम नहीं होते, काफ़ी अच्छी बिरयानी तैयार होती है। साथ में खूबसूरती में बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, तंदूरी कलर। अब इसे ढक देंगे। तंदूरी बिरयानी को हमने पकने रख दिया है, तकरीबन 5 मिनट हमने इसे तेज़ आंच पर पकाया और 20 मिनट हमें इसे स्लो फ्लेम पर यानी धीमी आँच पर पकाया है। बिरयानी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये देखिए खोल लेते हैं हम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे ताकि जो ऑयल और कलर है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है,
तंदूरी बिरयानी को हमने तेज़ आंच पे 5 मिनट और फिर 20 मिनट धीमी आंच पे पकाया है, यानी स्लो फ्लेम पे पकाया है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसे हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि जो कलर है वो सब जगह मिक्स हो जाए। ये देखिए कितनी शानदार बिरयानी नज़र आ रही है। ये लीजिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म तंदूरी चिकन बिरयानी। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। रेसिपी को अब ज़रूर